हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरी यहाँ पर हो चुकी है सुबह की शुरुआत। तो सुबह सुबह होता है ना, उठने के बाद कि दरवाज़ा खोलो, बाहर जाओ, थोड़ा सा देखो बाहर कैसा है क्या है। तो वही मैं बाहर बालकनी पे आई हूँ, तो मेरी नज़र फूलों पे गई और इन पे देखो कितनी सारी कली लगी हुई हैं, छोटे छोटे बेल, लेकिन कितना ज़्यादा हरी भरी लगती है। और दोस्तों, ये आज मैं बना रही हूँ लंच में बड़ी। कौन कौन खाया है बड़ी? ये है कुम्हड़े, मतलब दाल में कुम्हड़ा, जो जिसका पेठा बनता है ना, उसको मिला के बनाते हैं, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कुम्हरौड़ी। तो ये मम्मी ने बना के मुझे दी थी, तो मैं इन्हीं को बनाऊंगी आज। और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सब लोग तो कम पसंद करते हैं घर में, बट मुझे अच्छी लगती हैं। तो पहले मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी तेल में, ताकि अच्छा सा वो आ जाए। और ये मैंने सारी तैयारी कर रखी है, चावल मेरा पक चुका है, और ये देखो सब कुछ, मतलब पूरी प्रिपरेशन हो रखी है। बस इनको मैं तेल में, तेल मैंने डाल रखा है, तो तेल क्या होता है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जैसे जैसे भूनते रहोगे तो भून जाती हैं। और उनको भूनने के बाद मैंने डाल लिया अपना मसाला, प्याज और टमाटर की प्यूरी। इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, फिर मैं इसमें मसाले मिक्स करूँगी। और इसमें ना जितना खट्टापन होता है, जितना टमाटर होता है, उतना अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखो दोस्तों, मैंने छोंक दिया। और इसमें थोड़ा सा ना पानी भी जब डालते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मसाले के साथ। और ये जब पकती है ना, एकदम से मतलब अच्छे से फूल जाती हैं पानी में, अच्छे से पानी एब्जॉर्ब करती हैं, फूल जाती हैं। तो इसमें जब हम पानी डालते हैं ना, तो दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं, क्योंकि आलू भी पानी सोखती है थोड़ा सा, और ये बड़ी ज़्यादा पानी सोखती हैं, तो इसकी वजह से। और फिर अगर आप चावल में खाना होता ना, तो फिर सूखा हो जाएगा अगर पानी आप कम डालोगे। तो दाल की बड़ी भी बनती है जो मूंग दाल की, तो वो भी है मेरे पास, बट आज मेरा ये बनाने का मन था कुम्हरौड़ी, तो मैं ये बना रही हूँ। और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं बहुत, तो इसलिए मैंने आलू, मैं तो अपने लिए आलू भी नहीं डालती, मैं तो केवल दाल दाल की बड़ी बड़ी खाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। पर सबकी वजह से डाल दिया, क्योंकि सबको आलू चाहिए। लोग बड़ी कम लेंगे, बड़ी मैं खाऊंगी सबसे ज़्यादा, बाकी तो ये लोग आलू लेंगे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने आलू काफ़ी काट रखे है आज। और अब मैं इसके बाद कुकर को बंद कर दूँगी। और दोस्तों, ये मेरा लंच हो गया रेडी। तो सब्जी, चटनी और सलाद में प्याज हमने काट रखा है। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाओ खाने। और ये दोस्तों, अब हो चुकी है हमारी शाम। तो शाम को ना मेरे पति देव लेके बैठ गए हैं खाद वगैरह गमलों में डालने के लिए। मुझसे बोल रहे थे डाल दो, मैंने कहा ये आपका काम है खाद डालना, गुड़ाई करना, क्योंकि होता है क्या ना, मैं डालूंगी तो बोलेंगे तुमने इसमें कम डाला, तुमने इसमें ज़्यादा डाल दिया, तुमने ये नहीं किया। तो इससे अच्छा है ना कि खुद कर लो। तो वही करने बैठे हुए हैं। तो और वो खाद भी है ना, वो जो केचुए वाली खाद आती है, तो डालने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है, पर फिर भी वो खुद भी नहीं डाल रहे हैं हाथ से, उसी से जो खुरपी होती है ना, उसी से डाल रहे हैं। तो अब रात में ऐसे डाल देंगे ऊपर ऊपर, फिर पानी डाल देंगे, तो सुबह के लिए अच्छा हो जाएगा। फिर इसकी गुड़ाई कर देंगे अच्छे से। तो पौधों में ना इधर काफ़ी दिन से खाद नहीं पड़ी थी, तो इसकी वजह से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। और वैसे भी थोड़ा मौसम ऐसा होता है ना कि इस टाइम ग्रोथ थोड़ी कम ही होती है लगता है पौधों में। तो ये बालकनी पे उतना रोशनी नहीं है, थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और ऐसे अगर हर महीने डालते रहो ना, 15-20 दिन में थोड़ी थोड़ी करके, तो बहुत अच्छे पौधे तैयार होते हैं। और अब शाम का टाइम होता है ना, तो बच्चे नीचे रहते हैं खूब, वही आजकल खूब पटाखे छुटाते हैं। अभी से दीपावली, ये देखो दोस्तों, रोशनी कम थी ना, तो तासु फ़ोन लेके आ गया दिखाने के लिए, कि दिखा देते हैं, क्योंकि जो पौधे ऊपर रखे हैं तो पता नहीं चलता ना कितनी गई कितनी नहीं गई खाद। काफ़ी बड़ा पैकेट है, तो कम से कम मुझे लगा 2 बार के लिए होगा, तो बोले 2 बार में नहीं, उसने बोला है नर्सरी वाले ने कि 4 बार में आप डालना।
और ये तासु का फ्रेंड आ गया था पटाखे लेके, आ जाओ चलते हैं फोड़ने। तब दोनों गए और ये तासु देखो मास्क लगा के जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे पटाखे छुटा के थे ना, धुआं तो लगता ही है। तो और कुकू डर की वजह से अंदर घुसी हुई हैं, आएंगी खेलने पर उसको डर लगता है, लड़कियां वैसे भी डरती हैं, लड़के सब इस मामले में ना वैसे होते हैं। तो ये लो हो गया, उनका मास्क लग गया लगता है। तो ये दोनों और नीचे नहीं जाके छुड़ाते, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं ना, तो कई बार बच्चे इधर उधर भी फेंकने लगते हैं, तो यहीं सीढ़ियों पे ही फोड़ेंगे। और अब यहाँ पर पतिदेव खाद वगैरह डालने के बाद पेड़ों में बनाने जा रहे हैं चाय। तो बोल रहे हैं तुमको चाय पिलाते हैं, उनका चलिए पिलाइए, रोज़ तो हम ही पिलाते हैं, आज आप पिला दीजिए अच्छी सी। मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया, तो सुबह शाम चाय वैसे तो मुझे तो नहीं चाहिए होती है, बट इनकी आदत है, मुझे तो सुबह भी ना मिले तो कोई बात नहीं। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, तब फिर मन करता है कि पी चाय पी लो। तो दूध भी आया हुआ था, तो मैंने बोला साथ में आप दूध भी गर्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसे रखा रहेगा, ऐसे एक तरफ अपना रख दिया जाएगा स्लो करके सिम में, तो दूध अपने आप गर्म हो जाएगा और चाय तो बनी जाएगी साथ में। तो ये दोस्तों चाय पक चुकी है, तो आप लोग आ जाइए चाय पीने, जिसे जिसे अच्छी लगती हो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका हम सबका सुहाग हमेशा सलामत रहे, स्वस्थ रहे और घर परिवार बच्चे सब स्वस्थ रहे, तरक्की करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। बस यही प्रार्थना है भगवान से कि सबको भगवान सुखी रखे, सबको सबका परिवार सलामत रखे, खुश रखे। दोस्तों तो आप सब लोगों ने करवा चौथ की तैयारी कर ली होगी, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार होता है ना कि शायद मुझे लग रहा है जो हम लेडीजें होती ना सबसे ज़्यादा खुश होती हैं शॉपिंग करने के लिए, तैयारी के लिए कि पहनेंगे कैसे करेंगे क्या है, तो सब लोगों ने कर ली होगी। दोस्तों तो मैं तो नहीं करती हूँ, पहले होता था लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया परिवार में, तो ये हुआ कि मतलब मत रहो तो हम नहीं रहते हैं। बाकी खुशी तो होती है, क्योंकि त्यौहार तो त्यौहार ही होता है। तो दोस्तों चलते हैं मार्केट, तो कुछ सामान लाना है मुझे, तो मैं कुछ सामान भी लाऊंगी और चलिए आपको भी दिखाते हैं और मैं भी देखती हूँ कि मार्केट में क्या रौनक है, क्योंकि अब इस टाइम ये दशहरे से लगा के ना नवरात्रि, दशहरा, फिर करवा, फिर दीपावली आती है, तो मार्केट में बहुत चहल पहल रहती है और शॉपिंग भी बढ़ जाती है, लोग खरीदते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। अभी लोगों ने करवा चौथ की शॉपिंग करी, इसके बाद अब दीपावली की शॉपिंग आ रही है। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मार्केट की क्या हाल है, और हम भी देखते हैं और जो हमें लाना है वो भी हम ले आएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, और आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो दोस्तों, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं, लाइक शेयर भी नहीं करते हो, ये कंप्लेन है आप लोगों से, तो प्लीज करिए। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए, हम और तासु आ गए मार्केट में। तो और मेरे पैर में थोड़ी दिक्कत जो है वो इस टाइम ज़्यादा चलो ना अगर, तो फिर ज़्यादा दिक्कत करने लगता है, तो उसका असर आपको दिख रहा होगा। और ये देखो दोस्तों मार्केट में ना बहुत रौनक है, और करवा चौथ का सामान तो मिल ही रहा है, साथ में दीपावली का सामान भी लग गया है दुकानों में सारा, ये आप देख सकते हो, डेकोरेशन का सामान सब करवा भी मिल रहे हैं, दिए और ये करवा जो पैकेट पूरा सेट आता है ना साथ का वो, और जो दीपावली पे डेकोरेशन हम करते हैं ना उसका सामान भी, मतलब सारा कुछ लाइट्स वगैरह सब मिल रहे हैं। तो अब से लेके अब दीपावली तक मार्केट में रौनक रहेगी रहेगी, और दीपावली फिर इसके बाद छठ आ जाता है, तो छठ में भी काफ़ी रौनक रहती है, क्योंकि आजकल लोग घर कम जाते हैं, जहाँ पे होते हैं वहीं पे इतना भव्य प्रोग्राम होने लगा है छठ का कि हर जगह मतलब पूरी तैयारियाँ की जाती हैं, घाट बनाए जाते हैं, तो इसकी वजह से अभी रौनक रहेगी मार्केट में। और ये दोस्तों जगह जगह पर आपको आज करवा दिए और जो पूरा सेट मिलता है करवा का, तो मिट्टी के करवा, सींक, जो भी चाहिए वो सारा मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि चलनी
मिट्टी के, और जो सेट आता है तो हम लोगों में तो मिट्टी के ही पूजे जाते हैं, बहुत से लोग सेट जो आता है वो। और यहाँ पे हरियाणा में क्या होता है ना कि जैसे जिसकी पहली शादी मतलब पहला करवा चौथ होता है तो 51 101 करवे जाते हैं, और वो चीनी के जाते हैं, जो चीनी के बने होते हैं ना वो करवे जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे चीनी के करवे भी खूब मिलते हैं, तो लोग अपनी क्षमता के अनुसार ले जाते हैं, जिसकी जितनी क्षमता 51 101 और बड़े बड़े चीनी के होते हैं, तो इसके बाद उनको यूज कर लेते हैं वो, मतलब शगुन के लिए जाते हैं, उनका पूजा पाठ से मतलब नहीं होता क्योंकि पूजा के लिए तो मिट्टी का ही यूज करते हैं सब लोग। तो करवा, अब तासू को दिख गई गन पटाखे वाली कि मम्मी देखो गन रखी है, बच्चों की नज़र, बच्चों की क्या, सबकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही जाती है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत समझ आती है वहीं पे जाती है। और कपड़ों की दुकानों पे भी काफ़ी भीड़ है क्योंकि लोग खरीदते हैं ना, सूट वगैरह भी रेडीमेड में भी लेते हैं, साड़ी वगैरह तो शाम को पहनते हैं। तो तासू की नज़र गन पे गई थी, और भी जो उसको डेकोरेशन का सामान दिख रहा है, मम्मी ये ले लो, तो मैंने बोला बेटा अभी नहीं लेंगे, फिर दीपावली आएगी तब लेंगे, अभी से क्यों लेके संभालो रखो। चूड़ी कंगन बिंदी मतलब पूरा मेकअप का सामान सब कुछ मिल रहा है, आप ये देख सकते होगे, तो मार्केट पूरी सजी हुई है। और ये दोस्तों सरगी का सामान, सरगी में यही खाते हैं ना हम लोगों में तो सरगी नहीं होती, पंजाबी लोग सरगी खा लेते हैं पहले 4 बजे उठ के, तो उन लोग यही खाते हैं सारा, तो सरगी का सामान भी मिल रहा है। और ये चूड़ियाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी मिल रही थी, और शेडेड है मतलब इसमें डबल कलर है, और ये कांच की, मुझे तो लगा प्लास्टिक की हैं, तो बोले अंकल की नहीं कांच की हैं, तो मैंने कहा दिखाओ, तो उन्होंने दिखाया तो कांच ही था, तो आजकल भी पता नहीं चलता कांच है कि प्लास्टिक है। और ये देखो चूड़ा वगैरह, और चूड़ा बड़े सस्ते सस्ते हैं जो रखे हैं, मैंने तो ऐसे पूछने के लिए, मुझे चाहिए नहीं थे बट मैंने सोचा देखूँ, और ये कांच है देखो चूड़ियाँ, पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक की हैं। और ये चूड़ा ना 50 रुपये का एक चूड़ा है, मतलब एक पूरा सेट 50 रुपये का, और 100 रुपये के कह रहे हैं तीन, मतलब तो मैंने कहा अब सही है भाई, एक बार पहन लो, कीमत वसूल, बाकी अपना देख लो, और जब तैयार होगे ना आप कुछ भी पहनो तो अच्छा ही लगता है दोस्तों। और ये एजुकेटेड बड़ा पाव सेंटर दोस्तों, इस पर भी काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे लोग खाने के लिए, और सबसे ज़्यादा भीड़ अगर रहती है तो गोलगप्पे की शॉप पे रहती है। ये देखो जगह जगह आज यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो जो स्थायी दुकानें हैं तो वो तो रहती ही रहती हैं, इसके बाद भी लोग अलग से लगाते हैं, तो अपने हिसाब से लोग लगा लेते हैं तो सारा सामान। तो गोलगप्पे की दुकान, और फिर ये देखो इधर कान के इयररिंग्स, चूड़ी, मेकअप का सामान, सारा कुछ, फूल, करवा, सींक वगैरह सब मिलता है, कथा की किताबें, कथा पढ़ते हैं ना करवा चौथ की, तो सब कुछ है यहाँ पे। तो अच्छा लगा मार्केट आके, मुझे तो इससे रिलेटेड कुछ भी सामान नहीं लेना था, पर फिर भी देखने में अच्छा लगता है ना। और जगह जगह मेहंदी के लिए लोग बैठे हुए हैं, मेहंदी लगाने वाले मतलब लड़कियाँ लड़के सब, जिसको लगवाना है लगवा ले। तो दोस्तों अब हमें तो जो सामान लेना था हम ले लिए, अब लौट के आ रहे हैं घर, तो हमें तासू के लिए पेन वगैरह, फेविकोल, यही सब लेना करना था तो वो ले लिया हमने, और अब हम आ रहे हैं घर। वापस तो ये देखो आज बन रही मेरे पति की स्पेशल मैगी प्याज वाली, और ना बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं, मैं जब पूरी बना लेंगे तब दिखाऊंगी। अभी उन्होंने बोला मेरे वीडियो नहीं बनाओ, सारा मारे उनको आज, तो जब बनती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे भी छुट्टी मिल गई, मैंने कहा चलो सही है, नहीं वैसे मुझे बनाना पड़ता जो भी बनता, तो ये सुनील बना रहे हैं। दोस्तों आज खाएंगे सुनील स्पेशल मैगी, और ना मैगी जो बनाते हैं ना बहुत अच्छी बनाते हैं, प्याज की फ्राई करके, और तासू प्लेन खाता है, तासू नहीं खाता, तासू भी बोलता है कड़ू लगती है, प्याज नहीं खाता, प्याज कच्चा प्याज खाता है पर वैसे नहीं खाता,
सब दिन प्याज आ जाएगा या मैगी में आ जाएगा तो प्याज छा देता है। तो तासू के लिए बन गई ये प्लेन मैगी, तो तासू तो अपनी खाने लग गए और हमारी तानी और सुनील की बन रही है। तो हम लोग खाएंगे दोस्तों मैगी आज डिनर में, आज मैगी का डिनर होगा। और ना बनती है तो बहुत अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी जब उनका मन होता है तब बनाते हैं। तो वैसे तो मैं भी मैगी कभी नहीं खाती हूँ, लेकिन जब वो बनाते हैं तब फिर हम अच्छे से खाते हैं, और तो अच्छे से खाते हैं। तो आज हम सब लोग खाएंगे मैगी और आप लोगों को भी खिलाते हैं डिनर में मैगी। तो यहाँ पे तासू की, तासू को प्लेन पसंद है तो तासू के लिए प्लेन बना दी गई है। तो दोस्तों ये देखो फाइनली बन गई मैगी, और जो इसका जूस है ना, और ये जो खाने में इतना टेस्ट आता है ना पूछो मत। बंद कर तुम, तो दोस्तों ये देख सकते होगे कि अब हमने प्लेट्स लगा ली हैं सबके लिए। दोस्तों ये बन गई हमारी मैगी और आप लोग भी बहुत टेस्टी बनी है, पुरुष नहीं है ये सर कभी तो बाहर जाओ प्लीज। अभी हाँ आ गई इसमें।